हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विद आशीष आज हम लोग गेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे उसके छठे पायदान पे हम लोग आ चुके हैं वो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है लेट ए बी सी एंड डी बी एन बाय एन मैट्रिसेस चार मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर क्या है एन बाय एन ठीक है ईच विथ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनाट ए बी सी डी का जो डिटर्मिनांट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा दैट इज अ स्पेसिफिक नंबर ठीक है और, और क्या दिया हुआ है इफ ए बी सी डी इज इक्वल टू आई प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक इज इक्वल टू आई एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच शुड बी ऑफ द ऑर्डर एन बाय एन ठीक है एन बाय एन के ऑर्डर का होगा देन बी इनवर्स इज इक्वल टू वॉट हमें बी इनवर्स का वैल्यू निकालना है ठीक है शुड इट बी डी इनवर्स इन सी इनवर्स इन ए इनवर्स और बी सी डी ए और सी ए डी सी और डी इट डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ये गेट 2004 में वन मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग गिवन दैट ए बी सी डी आर एन बाय एन मैट्रिसेस ए बी सी डी एन बाय एन मैट्रिसेस हैं आल्सो ए बी सी डी इज इक्वल टू आई ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू आई दिया हुआ है व्हिच इंप्लाइज दैट ए बी सी डी डी इनवर्स डी सी इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स सी इनवर्स दोनों साइड में हम लोगों ने डी इनवर्स सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग हम लोग इसे को इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जो डिटर्मिनांट है वो एग्जिस्ट करता है वो नॉन जीरो डिटर्मिनाट है इसीलिए ये सारे ये दोनों इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे ठीक है तो इन्वर्स uh, से मल्टीप्लाई करेंगे आई को तो वो वही प्रोडक्ट देगा इसीलिए डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स ठीक है विच इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स ये कैसे हुआ डी इन टू डीवर्स इज इक्वल टू आई एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो उस आ, उस मैट्रिक्स के बराबर होगा और जो मैट्रिक्स जो आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का ठीक है तो डी इनवर्स इंटू डी इनवर्स विल बी आई सी इनवर्स इंटू सी विल बी आई ठीक है तो ए बी इंटू आई इंटू आई विल गिव ए बी ठीक है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक्स आएगा ठीक है विच इज इक्वल टू डी inverse into सी inverse विच implies दैट ए inverse into ab is इज इक्वल टू ए इन्वर्स d डी into c सी ठीक है दोनों साइड ए इन्वर्स से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ए into a ए विल गिव आई b into i will be b ठीक है और a inverse into d inverse into c inverse ठीक है ये राइट हैंड साइड में होगा अब हम लोग क्या करेंगे दोनों मैट्रिसेस के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में इनवर्स ले, ले लेंगे ठीक है क्योंकि हमें हमें वही कैलकुलेट करना है हमें बी इनवर्स का वैल्यू चाहिए तो बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स का होल इनवर्स ठीक है अब किसी भी तीन मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट होगा और उसका इनवर्स हमें लेना है तो दैट विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड मैट्रिक्स इनवर्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स इनवर्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स इनवर्स ठीक है ये होता है ठीक है तो सी इनवर्स का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा सी इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विल गिव ओरिजिनल मैट्रिक्स ठीक है सिमिलरली डी इनवर्स का इनवर्स डी हो जाएगा और इन्वर्स का इनवर्स ए हो जाएगा तो बी इन्वर्स इज इक्वल टू सी डी ए आया ठीक है देर फोर बी इज द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए एक्स का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये जो डिटर्मिनाट है ठीक है ये जो डिटर्मिनाट है उसका क्या वैल्यू आना चाहिए ताकि हमें एक्स का वैल्यू मिल जाए ठीक है और मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए ठीक है तो ऑप्शन क्या है हमारे पास फोर सिक्स एट एंड ट्वेल्थ ठीक है ये गेट 2004 में दो मास का आया हुआ क्वेश्चन है लेस मूव सोल्यूशन फॉर सिंगुलरिटी ऑफ द मैट्रिक्स एट एक्स जीरो फोर ज़ीरो टू ट्वेल्व सिक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ एक्सपैंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो ये क्या हो जाएगा एट मल्टीप्लाइड विथ जीरो इंटू जीरो माइनस सिक्स इंटू टू ठीक है तो जीरो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है सेकेंड ऑर्डर माइनस होगा ठीक है एवरी ऑल्टरनेट साइन चेंजेस होते हैं ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ठीक है इस तरीके से होता है तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू ज़ीरो माइनस एक्स इंटू जीरो माइनस टू इंटू ट्वेल्व ठीक है प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाइड विथ फोर इंटू सिक्स माइनस ट्वेल्व इंटू ज़ीरो ठीक है विच इज इक्वल टू जीरो दिस इज अ कंडीशन फॉर सिमुलैरिटी विच इम्प्लाइज दैट 8 into 12, 96, so minus 96 plus 24 x is equal to 0, which implies that x is equal to 96 divided by 24, which is equal to 4. So is value value be 4 pass. So a is the correct option. A is the correct option. Hai? Let's move on to the third question, which is the fifth in the series. Consider the matrices. अब हमारे पास मैट्रिसेस क्या दिए हुए हैं एक्स दिया हुआ है दिया जिसका ऑर्डर फोर बाय थ्री है वाई दिया हुआ है जिसका ऑर्डर फोर बाय थ्री है और पी दिया हुआ है जिसका ऑर्डर टू बाय थ्री है तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी वॉट ठीक है ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका क्या ऑर्डर होगा ठीक है तो क्या ऑर्डर टू बाई टू होगा थ्री बाय थ्री होगा फोर बाय थ्री होगा या थ्री बाय फोर होगा ठीक है गेट 2005 में वन मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है सॉल्यूशन वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ एक्स फोर बाय थ्री वाईज फोर बाय थ्री एंड पीज टू बाई थ्री ठीक है हेंस वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑर्डर हम लोग ये ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें गिवन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर पता करना है उसके कॉन्स्टिट्यंट्स का क्या ऑर्डर होगा वो हमें पहले पता करना पड़ेगा इससे हम लोग पूरा के पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं तो एक्स दिया हुआ है तो एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर ठीक है एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू थ्री बाय फोर X transpose Y is equal to three by three, ठीक है? X transpose Y will be three by three and X transpose Y whole inverse, X transpose Y whole inverse will be three by three क्योंकि square matrix है, ठीक है? और P transpose का क्या order होगा? Three by two होगा, ठीक है? Two by three है तो ये three by two होगा. ऑपोजिट हो जाएंगे दोनों, ठीक है? Therefore P into X transpose Y whole inverse into P transpose whole transpose is two by two एंड पी इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई होल इनवर्स इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री होगा पी पी का क्या है पी का क्या दिया हुआ है हमें टू बाई थ्री टू बाई थ्री ठीक है एक्स transpose वाई होल inverse का थ्री बाय थ्री ठीक है और पी transpose का क्या ऑर्डर है थ्री बाई ठीक है ये हम लोगों ने एक साथ लिख दिया अब हम लोग क्या नोटिस करेंगे इसमें कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट द रोज ऑफ द सेकेंड ठीक है तो दिस टू आर कंपेटेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन तो टू बाय थ्री इसका ऑर्डर हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट का ठीक है अब टू बाई थ्री अगर होगा तो कॉलम्स ऑफ द ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट इज थ्री विल बी इक्वल टू द रोज ऑफ दिस दिस वन थ्री तो थ्री बाय टू था थ्री बाय टू तो थ्री बाय थ्री बाय टू बाय थ्री टू 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 हो जाएगा ठीक है अगर कॉलम्स और रोज़ सेम है तो फर्स्ट और सेकेंड का जो रोज और कॉलम्स होगा वो बराबर होगा देर फोर पी बाय टू टू बाई टू ठीक है ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द दिक्कत क्वेश्चन गिवेन एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वन 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 माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन जीरो 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 वन माइनस वन वट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोर्स इनवर्स ठीक है इसका हमें वैल्यू निकालना है क्या ऑप्शन दिए हुए हमारे पास वन बाय फोर जीरो 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 वन बाय फोर जीरो 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 हाफ जीरो 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 हाफ फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डायगन प्रिंसिपल डायगनल्स के जो एलिमेंट है बराबर हैं ठीक है तो ये ये क्या है हाफ जीरो 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 हाफ जीरो 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 हाफ जीरो 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 हाफ ठीक है सी क्या है सी एक टिटी मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर फोर बाय फोर ठीक है डी क्या है अगेन एक स्केलर मैट्रिक्स है ठीक है जिसमें प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट बराबर हैं दैट इज इक्वल टू ठीक है सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स ये गेट टू थाउजेंड फाइव में टू मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है मैट्रिक्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसके ट्रांसपोज से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्ली मल्टी मैट्रिस अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा ठीक है तो ए इंटू ए ट्रांसपोर्ट का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू तो आई इनवर्स ठीक है अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं और उसे हम लोग इन्वर्स अब भी करेंगे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा दैट विल बी इक्वल टू आई इट्स ठीक है देफो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन सो वी हैव सीन फोर प्रॉब्लम्स एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो डू विथ द लाइक बटन एंड डोंट फॉर्गेट टू कॉमेंट्स शेयर एंड सब्सक्राइब टू इलेक्ट्रिकल विथ आशीष थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे बाय